हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसमें कि आज मैं आपको जिस फ्लावर के बारे में नॉलेज शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है विंका, जिसको पेरीविंकल भी बोलते हैं और इंडिया में उसको बोला जाता है सदाबहार। सदाबहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सालों भर आपके गार्डन में ग्राउंड हो चाहे पॉटेड हो तो बहुत सुंदर रंग बिखेरे रहता है, बहुत सारे कलर्स में आता है, ये वैराइटीज़ में आता है। जैसे कि आप ये रेड देख रहे हैं जो कि मेरे पॉट में लगा हुआ है, और उसके साथ ही आप बेबी पिंक कलर देख रहे हैं, ये आपको एक डार्क कलर दिख रहा। इसके नॉर्मल वैराइटीज़ भी आते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मल वैराइटीज़ में विंक आता है या पर्पल कलर में आता है, और ये बहुत ही सुंदर आपका प्लांट है जो कि कमर्शियली हाउस प्लांट लगाया जाता है सो के लिए, मगर इसका ब्यूटी के साथ साथ इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। पेरीविंकल जो सदाबहार का पौधा है ये नेटिव है यूरोप, इंडिया और मडागास्कर का, इसलिए इसको मडागास्कर पेरीविंकल भी बोला जाता है। और इसके ब्यूटी के साथ साथ कलर, हाउस प्लांट के साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ साथ इसकी जो लोकल वैरायटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाइट है और ये पिंक है, इसकी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स है। ये एंटी एजिंग का काम करता है, साथ साथ एंटी कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका काम होता है। इसमें बहुत सारे एल्कलॉइड्स पाई जाती है जिसका कि हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। 86 प्रकार के एल्कलॉइड्स होती है जो कि एंटी कैंसर का काम करता है, और इसकी दवाई बन रही है। और इसमें एक विंकोसिटिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटी एजिंग में भी आपका करता है, मगर हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ ये बहुत सुंदर पौधा है। वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इसको कैसे मिट्टी चाहिए, इसको पानी कैसे चाहिए, इसका प्रोपेगेशन कैसा चाहिए। तो अगर हम मिट्टी का बात करें तो इसको मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। वैसे ये बहुत कॉमन प्लांट है जो सालों भर इसका बहुत अच्छे से फूल देता है और बहुत हार्डी पौधा है और समर का तो बेस्ट पौधा है। सॉइल की अगर बात करें तो इसको बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करें तो ये बहुत हार्डी पौधा है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अगर इसको आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर झड़ने लग जाएंगी, तो आपको पानी उस समय रोक देना चाहिए। इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, वाटरिंग तभी आप करें जब इसकी जो सॉइल की जो अपर लेयर है वो जो होता है वो अगर सूख जाए, पूरी फुली ड्राई हो जाए, क्योंकि सॉइल का अगर आप अपर लेयर हटाएंगे तो नीचे से मॉइस्चर रहता है। अगर मॉइस्चर रहेगा तो आप इसको ज़्यादा पानी नहीं दीजिएगा। बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की या फिर इसके कल्टीवेशन की। अगर हम बात करेंगे तो जो पेरीविंकल का पौधा है ये इसमें सीड पॉट्स बनती है, और इसके जो कल्टीवेशन है बहुत आसानी से इसके सीड्स के थ्रू हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो इसमें सीड्स पॉट्स बनती हैं, ये जैसे कि आप लंबे लंबे देख रहे हैं, और सीड पॉट्स बहुत आसानी से लग जाते हैं। वैसे तो ये सालों भर पौधा लगता है, मगर जो इसका बेस्ट सीज़न होता है सीडलिंग का वो जनवरी टू अप्रैल होता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जनवरी टू अप्रैल होता है, और इस टाइम पे इसके जो सीड्स हैं बहुत अच्छे से पौधे आपके 3 से 4 महीने में तैयार हो जाते हैं। और इसकी मैं अगर सीड पॉट्स की बात करूँ तो इसका जो सीड पॉट होता है वो बहुत लाइट वेट 8 ग्राम का होता है, 1 ग्राम का, और इस 1 ग्राम के सीड्स में आपको 700 से 800 छोटे छोटे मिनी टाइनी एकदम सीड्स मिलेंगी जो कि आपको बहुत मुश्किल से आपके हाथ में आएंगे। तो जो नर्सरी वाले होते हैं इसको अगर लगाने के लिए इसके जो सीड्स हैं उसको बालू सैंड में मिक्स करते हैं और फिर उसको सीड्स को पौधे तैयार करते हैं। और ये जहाँ भी आपके रहते हैं पौधे, अगर ये हाइब्रिड नहीं है नॉर्मल है, तो इस सीड स्पॉट्स के थ्रू आपके जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर छोटे छोटे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक रेड कलर का पेरीविंकल का प्लांट है, और इसके सीड स्पॉट्स गिर के ये पूरे मेरे गार्डन में फैल गया है। वैसे तो नर्सरी में बहुत आसानी से आपको 20 रुपीज़ में मिल जाता है, अगर बहुत अच्छी वैराइटीज़ हो पर्पल हो तो, नहीं तो आपको इसको सीडलिंग के लिए ज़्यादा एक बार अपने गार्डन में लगा दिया तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके डिजीज़ की बात करूँ तो ये बहुत हार्डी पौधा है, बहुत आसानी से चल जाता है गमले में या ग्राउंड में, ग्राउंड कवर में बहुत आसानी से चल जाता है। और वैसे तो इसे ज़्यादा डिजीज़ नहीं होती, मगर क्योंकि समर सीज़न में इसमें एफिड्स का अटैक हो जाता है, तो एफिड्स के अटैक के लिए इसको अगर आप पानी से, नॉर्मल पानी के धार से भी आप धो देंगे
बहुत अच्छे से एफिड्स चली जाती हैं। और सेकंड जो इसका जो डिज़ीज़ होता है वो होता है इसकी पत्तियां जो होती हैं वो पीली होके, लोअर लीव्स जो होती हैं वो पीली होके झड़ जाती है। तो अगर आपके पौधे में अगर पत्तियां आपकी पीली होके झड़ जा रही हैं तो ये एक सिग्नल है कि आपको अपने पौधे में पानी देना कम कर देना चाहिए, क्योंकि आपने ज़्यादा पानी दे दिए, क्योंकि ये हार्डी पौधा है और समर प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो इसको आपको पानी कम देना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे विंका फ्लावर पे, और आप भी इस साल अपने गार्डन को विंका के सुंदर सुंदर कलर से सजाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।